दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंगस्टर नीरज बमानिया गैंग के शार्प शूटर 26 साल के नवीन काला और 28 साल के अश्वनी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। दोनों हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। शार्प शूटर नवीन काला और अश्वनी दोनों नामी अपराधी हैं और गैंगस्टर नीरज बमाना गैंग के एक्टिव मेंबर हैं। पुलिस को नवीन के पास से 7.65 mm कैलिबर के 3 जिंदा कारतूस और 315 बोर का एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ 7.65 कैलिबर की एक पिस्टल भी बरामद हुई है। वहीं सोनू के पास से 7.65 mm कैलिबर के 3 जिंदा कारतूस के साथ 7.65 कैलिबर की एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि नवीन काला अशोक प्रधान गैंग के एक शूटर को मारने के फिराक में था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 22 जून को सूचना मिली थी कि नवीन काला हथियारों के साथ दिल्ली के नजफगढ़ के पास आने वाला है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवीन काला को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी नवीन काला ने बताया कि वो अपने भाई अश्वनी उर्फ सोनू के साथ मिलकर राजीव काला की मौत का बदला लेना चाहता था। आरोपी नवीन के पास से बरामद हथियारों की व्यवस्था उसके भाई ने ही की थी। विस्तृत पूछताछ के लिए आरोपी को पुलिस कस्टडी में रिमांड पर लिया गया है। आरोपी अश्वनी ने कबूल किया कि उसने अशोक प्रधान गैंग के एक शूटर को खत्म करने के लिए हथियारों का इंतजाम किया था। पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी अश्वनी उर्फ सोनू के इशारे पर एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी नवीन काला ने बताया कि वो हरियाणा में हत्या और हत्या के प्रयास के 4 मामलों में शामिल रहा है। वो और उसका भाई अश्वनी नीरज बमानिया और नवीन बाली गैंग के सक्रिय मेंबर है। उसका भाई फिलहाल हत्या के एक मामले में हरियाणा के झज्जर जेल में बंद था। जेल से जमानत मिलने के बाद वो भाई से मिला, जिसने उसे अपने गैंग का बदला लेने के लिए अशोक प्रधान गैंग के एक शूटर को मारने का प्लान बनाया। नवीन और राजीव एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों नीरज बमाना गैंग के मेंबर थे। नवीन और उसका भाई अश्वनी नीरज बमाना के इशारे पर राजीव काला की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। पकड़ा गया बदमाश नवीन काला 9वीं तक पढ़ा लिखा है, जबकि उसका भाई 11वीं तक। उसके भाई को पहली बार 2013 में अंधाधुंध दोहरे हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद अश्वनी ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी, जो हत्या के मामले में गवाह था। फिलहाल पुलिस अभी इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। टीम बीटीएफ न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।